बड़ा वकील पता है कौन बनता है कि दूसरी दफा वो वकील आके बैठे तो जज को उसका नाम पता हो कि ये वो है। मैंने पाकिस्तान में शायद ही कोई केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित होते देखा। ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, सिविल के स्टैंडर्ड पे क्रिमिनल केसेस यहां पर डिसाइड होते हैं। पहले अंडरस्टैंड करें कि बेंच किस पॉइंट पर आपसे असिस्टेंस मांग रहा है, उसके ऊपर केस लॉस कितने हैं, वो कितने मेंबर बेंच के केस लॉज हैं, डिसेंटिंग ओपिनियंस हैं या नहीं है, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, लेटर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, फॉर्मर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, बुलेट पॉइंट्स की तरह क्लैरिटी से आप कहें कि ये पॉइंट नंबर वन का जवाब है, ये दो का, ये तीन का, ये चार का। नो दाय जज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयशा मलिक साहिबा के पास एक दफा कोर्ट में पेश हुआ ऑरेंज लाइन के केस में, रीड किया मैडम को, मैंने कहा ये बहुत तफसील से केस सुनेंगी हमसे। मैडम ने चार दिन लगातार वो केस सुना। जवाद साहब ने कहा अगर 1,000 रुपया अपनी फी में से 2,000 रुपया एलोकेट कर दो इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग योर फाइल, केस लॉ विद इंडेक्स, और जजेस को हाईलाइट करके टैग लगा के वो देना शुरू करो, देखो तुम्हारी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स आती हैं। जजेस वांट असिस्टेंस, दे कोई नहीं रहा। पाकिस्तान में डिसअपीयरेंस इतनी ईजी हुई है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का यहाँ पर ट्रेंड इतना ज्यादा है, बाहर के मुल्कों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दैट यू विल नॉट शो अप। आई वुड से कि FIR का कॉन्सेप्ट खत्म कर दें, 154 का। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द जज, फाइंडिंग ऑफ द गिल्ट और इनोसेंस, योर ड्यूटी इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस ओनली। कामयाब लॉयर भी वो है जिसके सरहाने राइट या लेफ्ट ऑफिस या घर पर रसाला पढ़ाओ SCMR का, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का और PLD का। ओनली फ्यू ऑफेंसेस विटनेस कंप्लीट ट्रायल्स इन पाकिस्तान। मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस आर ओनली परसूड, फॉलोड, कंटेस्टेड ओनली टिल बेल स्टेज। दे हैव नो इंटेंशंस ऑफ प्रूविंग द एलिगेशंस। करने वाला एक या दो होते हैं, मुलविस 11 या 12 को कर दिया जाता है, कोई ललकारा है, कोई जफ्फा है, कोई मशवरा है। प्लीज इनकरेज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू कम बैक, ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, प्रूव हिज इनोसेंस और अलाउ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर चार्ज एंड गिल्ट। 10-12 चीजों को जब हम कंसेंसस से क्रिमिनल लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से बुला लें, वो कहें कि ये करो, तो आप देखो जरा मुसीबत कैसे डलती है, कैसे फॉल्स इम्प्लीकेशन और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ओवरनाइट कम होता है। आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक आप कन्विंसिंगली आप बताएं ना कि मेलाफीडे और अल्टीरियर मोटिव क्या है, पूरे केस में आइडेंटिफाई करें उसको। वकला अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि जज साहब पूछ क्या रहे हैं, और ये सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है कि सर मैं उसका जवाब भी दूंगा, पहले मेरी बात सुन लें। सबसे बुरी बात, इफ यू आर अ जज यू आर श्योर 99.9% ही इज इनोसेंट, व्हाट वर्डिक्ट विल यू ब्रिंग? मैंने कहा सर नॉट गिल्टी। मेडिकल की कोई बात आ जाए, ऐसी ग्राउंड जो एग्जिस्ट करती थी और आपने तब ली ना हो, वो एंटरटेन नहीं होगी। तीन चीजों का स्कोप बहुत नैरो है, अपील अगेंस्ट एक्विटल, एडिशनल एविडेंस और कैंसलेशन ऑफ बेल। जब आप बेल एप्लीकेशन अपनी तैयार करते हैं, प्री अरेस्ट ने जुर्म पूरे लिखे, कंप्लेनेंट को जरूर पार्टी बनाएं। क्रिमिनल में ड्राफ्टिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, सिविल में फिर कुछ बची हुई है। अंग्रेजी खुद लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आपको केस लॉ से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। टू बी अ सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर इट इज ओनली हार्ड वर्क, देर इज नो अदर रेसिपी, देर इज ओनली प्रोफेशनलिज्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अहमद कयूम। It is indeed a pleasure and an honor to be here and to giving me an opportunity to interact with you. I always had my reservations and apprehensions as soon as the law schools in Pakistan, they issued degrees, LLB degrees, the basic degrees to the graduates, entitling them, giving them the license to go and appear in the courts. But I was always convinced that acquiring a degree would not equip you with the necessary skills that are needed to appear in the courts. Skills such as conference, skills such as negotiation, skills such as drafting,
and skills such as advocacy, speaking in the court. These are very, very essential skills which every lawyer must possess. And unfortunately, none of the law schools. Arranging occasional moot courts is not the solution. Or having competitions, you know, once a year for 3-4 days in which only limited number of students would participate would not equip you, would not train you enough to appear in the courts. The way United Kingdom operates, they have a mechanism to prepare you for the courts whereby you get admission in the bar vocational courses known as the BVC, where you learn basically how to speak and how to interact. I still recall my first day at the bar school, where there was Oxford, Cambridge, King's College, UCL, London School of Economics. Leading institutes were at the bar school. And it was not just the Pakistanis or Indians or Bangladeshis jinki English mother language nahi thi, mother tongue nahi thi. I saw students who were very fluent, who were British, who were Europeans, and they had difficulty in speaking at the rostrum and at the podium. So pehla din bar vocational course mein tha ki wo aapko 3 minute ki ijazat hoti thi ki aap 3 minute apne marzi ke topic par aap guftugu karein. Aur aakhri din wo hota tha jab judges baithe hote the crown court ke, house of lords ke, कैमरे लगे होते थे, रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी, और एट द 11th आवर बाहर आपको एक सिविल केस थमाया जाता था जिसमें आपने स्टे लेना होता था, इंटरिम रिलीफ लेनी होती थी, या आपने बेल लेनी होती थी, या आपने प्लीन मिटिगेशन करनी होती थी, एंड यू वुड ओनली हैव 15 मिनट्स टू गो थ्रू योर केस, टू प्रिपेयर योर ब्रीफ एंड वॉक इनसाइड, एंड यू वुड नॉट नो द ब्रीफ विच यू विल गेट वुड बी सिविल, criminal, bail, suspension, writ, plea mitigation. So वो एक surprise होता था. और आपको उन 15 मिनट की तैयारी पर, क्योंकि वो कहते थे a lawyer should always be prepared. ये criticism आज मेरे ऊपर भी apply होता है. मेरे उस्ताद मरहूम ख्वाजा सुल्तान अहमद डांटा करते थे, Saturday को private कपड़े पहनाए हो, कोई अगर अभी साइल आ जाए तुम्हें अदालत में ले जाने के लिए तो you are not prepared. So uniform नहीं पहना हुआ तो क्यों नहीं पहना हुआ. तो हर वक्त प्रिपेयर्ड रहो, किसी भी वक्त कोई क्लाइंट आएगा एंड ही विल टेक यू टू द कोर्ट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन यूनिफॉर्म, मेंटली अलर्ट. सो बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज व्हेन यू आर इन प्रैक्टिस. मैं अहमद कयूम साहब को, मैडम रोशता लोधी को और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा फॉर organizing, arranging and setting this much needed trend. This is the need of the hour. Pure mulk mein agar aap dekhen ki itna decline or deterioration hai har taraf, to hamara profession, main aaj law school se aa raha hu aur main ye baat keh ke aaya hu ki law degree over a period of time badi popular ho gayi hai. Ye pehle itni popular nahi thi jitni aap popular ho gayi hai. Lawyers can make lot of difference. Lawyers की visibility, lawyers का role, आप television खोल के देख लें, judiciary का role, it has gained enormous importance lately. तो इस तरह का courses से आपको यकीनन एक crash program. You will hear variety of speakers, उनके experiences, and by the time you will end this course, आप अपने आप को बहुत मुख्तलिफ पाएंगे. मैं एक चीज का बड़ा फर्म बिलीवर हूं कि मुझे जहां से इल्म मिलता है मैं उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करता हूं. मैं दो बातें करूंगा. बहुत मैच्योर ऑडियंस बैठी हुई है, बैरिस्टर अहमद कयूम भी बहुत जल्दी मेरी बात पिक कर लेंगे. मैंने दो लॉयर्स को देखा assisting the court in the capacity of amicus. Lately meri kafi appointments ho rahi hain as an amicus, and I have picked up styles from amicus and it has worked like anything. I liked the style, I adopted it, I implemented it, I executed it before larger benches.
इनिशियली मुझे नहीं पता था कि इन द कैपेसिटी ऑफ अमाइकस मुझे किस तफसील में जाना है, किस डिटेल में जाना है, बेंच को कैसे चलाना है, कैसी असिस्टेंस देनी है कि उनका पेन जो है वो चलता रहे और मेरा कनेक्शन जो है वो बना रहे और रब्त ना टूटे। सो मैंने लर्न किया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जो जल्दी से फटाफट ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों को अमाइकस के तौर पे मखदूम अली खान साहब को, मुनीर मलिक साहब को, अश्तर उसाफ साहब को, ख्वाजा हारिस साहब को असिस्ट करते हुए, तो उनके स्टाइल से जो जो चीज़ें मिलती हैं वो उठा लो और अपना लो, और उसी तरह ये एक जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है। सो एक ये चीज़ थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, कैसे असिस्ट किया जाता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कितनी टेक्निकल, कितनी सेंसिटिव, यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली द डूज एंड डोंट्स, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता, इट नेवर एंड्स। यूनाइटेड किंगडम इज़ अ फर्म बिलीवर, जजेस शुड ऑल्सो अंडर गो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज, मॉडर्न एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, एप्रिसिएशन, DNA कैसे करना है। सो ये कोर्सेज सिर्फ वकला के लिए नहीं है, ये हमें जब जहाँ जिधर हमें कोई बेहतर चीज़ नज़र आए, प्लीज़ बी ऑन अ लुक आउट टू अडॉप्ट इट। मैं अहमद क्यूम की एक चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ और कदर करता हूँ कि काश वो स्किल मेरे अंदर आ जाए। पाकिस्तान में कोई एक वकील मुझे नज़र नहीं आता जो क्रॉसवर्ड खेलना जानता हो, जिसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो, जो लिख कर फिर कहता है नेल्ड इट अगेन। तो वो ये आदत है इनकी, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो लफ्ज़ उठाऊँ और अपने दादा का एक मशवरा, जो अंग्रेज़ी का नया लफ्ज़ सीख लो विद इन 72 आवर्स, ज़बरदस्ती दबड़ गुसर करके उसको अपने गुफ्तगू में यूज़ कर लो एक दफ़ा। 72 घंटे में यूज़ कर लोगे, फॉर लाइफ दिमाग में स्टोर हो जाएगा, सिस्टम में रह जाएगा, और अगर नहीं यूज़ करोगे तो डिलीट हो जाएगा। सो आपने 4 अमाइकस क्यूरे का जिक्र किया, उनमें से आपने ईच में से क्या क्या चीज़ उठाई? आप जो कह रहे थे कि देखिए, जो मेन पॉइंट्स मैंने उठाए कि जजेस व्हेन दे कम, सबसे पहली बात, नो दाय जज। जो जजेस बैठ ही 2:30-3 बजे रहे हैं, जैसे कि आपको जगाना लंच के बगैर बाद एक चैलेंज है। मैं 9 बजे आता तो मेरा काम आसान होता, ज़रा रिलैक्स लेक्चर देता। लंच के बाद आपकी तवज्जो इंटैक्ट रखना, ये सराउंडिंग्स की बात है। मुझे अहमद क्यूम साहब ने पहला लेक्चर दिया था लॉ ऑफ FIR पे, रमज़ान जुमा शदीद गर्मी लाइट गई हुई। मैंने कहा आप मुझे किन कंडीशंस में बॉलिंग करवाना चाह रहे हैं? मैंने कहा कॉल ऑफ करें ये ना माने। वो लेक्चर दिया, वो एक सुपर हिट लेक्चर गया, आज दिन तक वो लॉ ऑफ FIR पे मौजूद है। सो टेस्टिंग कंडीशंस में खड़ा कर देना कि अब जरा आप आर्ग्यू करें। मैं परवेज मुशर्रफ साहब का केस आर्ग्यू कर रहा था तो किसी ने कहा सर अभी इतला आई है कि कोर्ट में सुइसाइड बॉम्बर आया हुआ है। तो मेरी एडवोकेसी कहाँ, मेरी गुफ्तगू कहाँ, सोच कहाँ? DB मेरे सामने है, बेनजीर भुट्टो का केस आर्ग्यू हो रहा है, मुशर्रफ साहब साथ हैं, बॉमर कोर्ट के अंदर है, तो किधर जानी है आपकी एडवोकेसी? बट यू हैव टू कीप योर अटेंशन इंटैक्ट एट ऑल टाइम्स। आपका जवाब देता हूँ सर, एक तो यही देखा कि एज एन अमाइकस आपको बुलेट पॉइंट्स में आपको विद क्लैरिटी पहले अंडरस्टैंड करें कि बेंच किस पॉइंट पर आपसे असिस्टेंस मांग रहा है, रीड करें कि वो कहां पर उनको कंफ्यूजन है, जहां पर क्लेरिफिकेशन वो देना चाह रहे हैं या आपसे असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, उसके ऊपर केस लॉज कितने हैं, वो कितने मेंबर बेंच के केस लॉज हैं, वो 3 मेंबर है, 5 मेंबर है, लार्जर बेंच है, डिसेंटिंग ओपिनियंस हैं या नहीं है, उसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, लेटर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, फॉर्मर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, और आप बुलेट पॉइंट्स की तरह क्लैरिटी से आप कहें कि ये पॉइंट नंबर 1 का जवाब है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, चाहे हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ना उनके पास इतना है जो अपनी पूरी कॉज लिस्ट एग्जॉस्ट करने के बाद 3:30 बजे आके बैठें या 2 बजे आके बैठें तो आपको 2-2, 3-3 दिन सुने। सो पहले आप ये भी रीड कर लें बेंच को, बेंच कितनी देर आपको सुनना चाहता है। मैंने कई दफ़ा ये बात
कहिए कैमरे पे आज फिर कहता हूं, नो दाय जज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयशा मलिक साहिबा के पास एक दफा कोर्ट में पेश हुआ ऑरेंज लाइन के केस में क्वाशिंग ऑफ FIR, मुख्तसर सी तैयारी जितनी हम करके जाते हैं क्वाशिंग ऑफ FIR। रीड किया मैडम को, मैंने कहा यह बहुत तफसील से केस सुनेंगी हमसे। वापस आए, अगले दिन पेश होना था, सिर्फ ट्रिप टू द कोर्ट, टेक अ ट्रिप टू द कोर्ट टू रीड द जज कि वो किस हद तक आप अपने केस को आर्ग्यू करना चाह रहे हैं। जाके मैंने 2-3 घंटे की तैयारी कर ली, तमाम केस लॉ इकट्ठा कर लिया। मैडम ने 4 दिन लगातार वो केस सुना, ये हमारी रीडिंग थी, वो सुनेंगी। फौरन रीड किया कि 15 मिनट की तैयारी तो फटाफट ख़त्म हो जाएगी, तो आगे कैसे चलना है, जब लॉ वो जजमेंट अगर लिखना चाह रही हैं तो कैसे चलना है। सो जिधर से जो मिलता है, मुझे एक दफ़ा मिले जज साहब, अभी आपको आइडेंटिटी भी उनकी दे देता हूँ, तो उन्होंने चलते चलते, अभी वो जज नहीं थे, ही वॉज स्टिल अ वेरी एमिनेंट लॉयर, तो उन्होंने मुझे रोक के जवाद साहब ने कहा अपनी फाइल तो दिखाओ। मैंने फाइल दिखाई एंड आई वॉज एम्बेरस्ड टू शेयर फाइल ऑफ अ क्रिमिनल लॉयर, जो कि आपको पता है फौजदारी के वकला की फाइल कैसी होती है, मगर मेरे पास केस लॉ मौजूद था। उन्होंने कहा आप अगर 1,000 रुपया अपनी फी में से 2,000 रुपया एलोकेट कर दो इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग योर फाइल केस लॉ विद इंडेक्स, और जजेस को हाईलाइट करके टैग लगा के वो देना शुरू करो, देखो तुम्हारी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स आती हैं, जजेस वांट असिस्टेंस, दे कोई नहीं रहा। सो एवरीवन वांट्स टू हैव देयर केक एंड ईट इट, बट नो वन इज गिविंग दैट केक। मैंने उनकी उस बात पर, ये आपको वो बातें कर रहा हूं कि जो जहां से मिलता है ले लो और अपना लो और अडॉप्ट कर लो। मैं आज भी, सो पहला काम जो मैंने किया, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अमाइकस में बाबर सतार साहब को पूरा केस लॉ दिया कि सर ये इंडेक्स है, ये सफ़े हैं, ये मार्क्ड हैं, ये टैग्स हैं, ये हाइलाइटेड पोर्शंस हैं, आपका टाइम भी कीमती है, सफ़ा नंबर इतना, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, सो जल्दी से आप चलाते हुए आप अपना केस को जो है वो पुट करें और प्रेजेंट करें। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, लॉ ऑफ बेल, ह्यूज इंपॉर्टेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। फौजदारी में 3 अहम स्टेजेस होती हैं जहां पर आपका साइल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंस ले जाती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द बेल एप्लीकेशन स्टेज, द सेकंड स्टेज इज कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस के बाद, एंड द थर्ड स्टेज इज अपील। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ यू विल बी एबल to lay your hands on bail application brief at some stage, sooner or later, the likelihood ke sabse pehle aapke haath mein kya cheez aayegi wo bail application hai, shayad wo trial na ho, shayad wo appeal na ho, chahe wo high court na ho, wo supreme court na ho, wo writ na ho, bail zarur haath mein aayegi. Aur bail ka Pakistan mein importance in proceedings ki are huge, huge because false implication is huge, wider nets are huge, in one FIR so many people are implicated without any justification that right of bail becomes essential, it keeps judges occupied, the lower judiciary, subordinate courts, the high courts. So mere liye sabse bada shock ye tha, मैं जब इंग्लैंड से 5 साल की वकालत करके आया तो मुझे कहा कल 302 की बेल करानी है। मैंने कहा 302 की तो बेल नहीं होती, तो मुझे अब समझ आई है कि बेल होती है 302 की है, इतनी बेलें होती हैं 302 में, मगर पहली सोच थी 302 की तो बेल नहीं होती, वो तो हो ही नहीं सकती। मगर ट्रेंड्स आप देख लें कि पाकिस्तान के ट्रेंड्स क्या हैं, उन ट्रेंड्स की वजह से misuse of FIR, misuse of 154 की वजह से, false implication की वजह से, FIRs being treated as gospel truth, बार बार क्यों lately? So पहली judgment, हम अब context से हटे हैं, मगर पहली judgment जिसपे repeatedly अब फैसले आ रहे हैं, सुगरा बीबी का reported case, double FIR के अंदर और followed by another,
और यासिर अरफात का केस विच आई कैन थिंक ऑफ, कि स्ट्रेट अवे अरेस्ट ना करो, कोई ज़रूरत नहीं होती, हर मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं लेनी, जेल्स ओवर बर्डन नहीं करने, देखना है कि ये इसमें इम्प्लीकेशन में बाय इनकार्सरेशन व्हाट यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व्ड, ये जेलों की ओवर क्राउडिंग ना हो जाए इससे, मगर देखा नहीं जाता और बेल को ऑन वेरी फ्लिम्सी एंड वेरी वेग ग्राउंड्स देखा गया है कि गिरफ्तारी भी ले ली जाती है, जिसको हम स्ट्रेट अवे अरेस्ट्स बोलते हैं, जिनको डिस्करेज कर रहा है रिपीटेडली सुप्रीम कोर्ट, डू नॉट इंडल्ज इन स्ट्रेट अवे अरेस्ट्स विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। मैं अगर आपको फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन बताऊं पाकिस्तान से बाहर, तो सारी फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन अगर बेल डिक्लाइन करती है तो दो तीन बातों पर करती है। सबसे पहली बात, ही विल डिसअपीयर एंड वैनिश। दिस इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। कराची जाएं, बहुत फ्रैंकली ड्राइवर्स बताते हैं, जब आप बताओ कि सर केपीके में मेरे ऊपर पर्चे हैं तो मैं कराची आ गया हूं, कराची वाले से पूछे हैं तो वो केपीके चला गया होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे होता है ना डिग्रीज का, तो पीओस का, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का एक्सचेंज प्रोग्राम है, सेफ हेवन्स हैं। तो पाकिस्तान में डिसअपीयरेंस इतनी इजी हुई हुई है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स का यहाँ पर ट्रेंड इतना ज़्यादा है, बाहर के मुल्कों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दैट यू विल नॉट शो अप, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पुलिस टू ट्रेस यू एंड टू टेक यू बैक इन टू द कस्टडी। Anyone who knows, so anyone who's not a flight risk, anyone who's not likely to abscond, anyone who is not likely to repeat the commission of similar offense, or anyone who's not a threat to the community, to the society, is normally allowed bail abroad. फॉल्स इम्प्लीकेशन वहाँ है कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली 2022 हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त जजेस, आई थॉट कि वो जाते जाते ज़रूर कोई एक मैकेनिज़म दे जाएंगे कि फ़ौजदारी का निज़ाम बेहतर हो जाए, मगर फ़ौजदारी का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा। और अगर मुझसे कोई क्विक सॉल्यूशंस पूछे कि व्हाट इज योर क्विक रिकमेंडेशन को इनको कैसे इस निज़ाम को बेहतर करना है, तो आई वुड से कि FIR का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें, 154 का, कि सिग्निफिकेंस को ख़त्म ना करें, कटेल कर दें, इसकी इम्पोर्टेंस को हम कम कर देते हैं, हम 173 की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, ताकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कम्स इनटू एक्शन, ही कम्स इनटू मोशन, ही इन्वेस्टिगेट्स, ही इंटेरोगेट्स, और 173 की रोशनी में within 14 days, within 21 days, practical time दे दें उसके अंदर, वो formulate करे अपनी findings और उसके ऊपर, और उसका काम ये ना हो कि मेरी तफ्तीश में सही गुनाहगार पाया गया, this is not your task, this is the duty of the judge finding of the guilt or innocence, your duty is collection of evidence only, you collect evidence, you place it prima facie, sufficient evidence indicating the involvement of the accused with the crime. So, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं law of bail के ऊपर ही अपनी गुफ्तगू को restrict करते हुए मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलता हूँ और slides की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो लाऊँगा। First slide deals with the philosophy of the bail. देखें, रिमांड तीन किस्मों का होता है, थ्री काइंड्स, फिजिकल रिमांड, जुडिशियल रिमांड एंड रिमांडेड ऑन बेल। यू आर रिमांडेड ऑन बेल एज एंड व्हेन एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड यू विल अपीयर बिफोर द कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द कोर्ट आफ्टर फर्निशिंग श्योरिटी अमाउंट्स आप यू विल कम बैक ऑन अ स्पेसिफाइड डे यू विल शो अप
सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट लॉ ऑफ बेल ने बड़ी कॉन्स्टेंट चेंजेस देखी हैं. और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कामयाब डॉक्टर भी वो है और कामयाब लॉयर भी वो है जिसके सरहाने राइट या लेफ्ट, ऑफिस या घर पर, अगस्त सितंबर का रसाला पढ़ा हो, SCMR का, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का और PLD का, और उसको देखता रहे. यू जस्ट हैव टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट व्यूज. दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स सीनियर देखे हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, पुरानी डायग्नोसिस, पुरानी मेडिसिंस प्रिस्क्राइब हो रही होती हैं. और मैं प्रेफर करता हूँ सीइंग समवन यंग, एनर्जेटिक, एक्सेसिबल, अवेलेबल, कि उस डॉक्टर से मिला जाए जो 2022 के तकाजों के मुताबिक आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता है. तो अपने आप को देखिए, कितना चेंज आया. पेंडेमिक था, कोरोना था, उसमें बड़े खुले दिल से बेलें दी गई कि निकालने अंदर से लोगों को जिनका निकालना बनता है उनको. सो हमने ये रिसेंटली देखा. मगर अब दोबारा हम बहुत सारे मुल्क तो अभी भी कोरोना से बाहर नहीं आए, बट हम लोग तो बहुत पहले से निकल आए हैं. अब आप कोरोना की एप्लीकेशन आप दें कि आए मानवेल तो कहेंगे कल आ जाएं, कोई 14 दिन की डेट नहीं डलेगी. वो अब दैट एक्सक्यूज इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर. तो पूरी दुनिया में आपकी डेप्रीविएशन ऑफ लिबर्टी को बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज किया जाता है. आपकी कर्टेलमेंट को, कन्फाइनमेंट और कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम को, इसको गोल्डन स्केल्स में वे अप किया जाता है कि इसको किन सर्कमस्टांसेस में इनको डिनाई किया जाए. सो पाकिस्तान में अभी भी जो अब बात आपसे करने लगा हूँ, ये मैंने कुछ अरसे में मैंने ये बात अंडरस्टैंड की और सीखी, और जजेस को ये आर्ग्यूमेंट 3 अदालतों में मैंने दिए और तीनों में उन्होंने अप्रिशिएट किया ये आर्ग्यूमेंट. मैंने कहा सर, बाज मुकदमे सिर्फ पगड़ियां उछालने के लिए रजिस्टर किए जाते हैं, और कंटेस्ट और आर्ग्यू भी सिर्फ बेल एप्लीकेशंस की हद तक किए जाते हैं. जिस दिन बेल हो जाती है, कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन, दे लूज देयर इंटरेस्ट इन दैट केस. एंड दिस इज सो ट्रू. ओनली फ्यू ऑफेंसेस विटनेस कंप्लीट ट्रायल्स इन पाकिस्तान. मेजॉरिटी ऑफ क्रिमिनल केसेस आर ओनली परसूड, फॉलोड, कंटेस्टेड वहीमेंटली, वसिफरसली, ओनली टिल बेल स्टेज. दे हैव नो इंटेंशंस ऑफ गोइंग इन टू द एविडेंस और कंप्लीटिंग द ट्रायल और प्रूविंग द एलिगेशंस. तो हर वो मुकदमा उसकी आउटलुक देखा करें कि ये मुकदमा सिर्फ जमानत की हद तक ही बस चलना है, या इसने आगे ट्रायल देखना. अब 302 का मुकदमा, उसका ट्रायल होना है. बहुत सारे 489F के मुकदमे बेल हो गई, बात खत्म हो गई जी. पर बहुत सारी पार्टीज हैं, मैं लोगों को कहता हूं डोंट बी डिसअपॉइंटेड. बेशुमार ऐसे केसेस हैं, 489F के प्री अरेस्ट कन्फर्म हुई है, जिस दिन जज साहब ने फैसला दिया है 3 साल की सजा हुई है, हथकड़ियां लगी. तो आप लोग अपने, चाहे कंप्लेनेंट हो चाहे डिफेंस हो, अपनी अप्रोच को नैरो ना रखो कि ये हेयरिंग देख लें. प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिए टू स्ट्रेंथन द केस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रायल एंड कन्विक्शन. उसको करेंगे तो बेल ऑटोमेटिकली उसमें रिजल्ट आएगा. तो इतना वो जिसे कहते हैं आप अपनी विजन को अपना नैरो और इतना लिमिटेड ना रखें कि ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ बेल एप्लीकेशंस. और जजेस को दे मस्ट ऑल्सो एक्सरसाइज देयर पावर्स स्पेयरिंगली. जब ये फील हो कि इस मुकदमे का मकसद सिर्फ लिमिटेड प्रोसिक्यूशन है, कंप्लीट प्रोसिक्यूशन नहीं है, उसके ऊपर लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम को कर्टेल करना, ये एक्सपीरियंस बड़ा अनप्लेजेंट होता है जेलों में जाना. आगे चलते हैं हम.
मैं दोबारा इंग्लिश लॉ की हिस्ट्री को बहुत, मैं इंग्लिश लॉ की हिस्ट्री पर एक बात, एक सेकंड के लिए मैं ज़रूर रुकूंगा और एक आपको बात ज़रूर बताना चाहूँगा। दिस मे कम टू यू एज सरप्राइज, मुझे ये बात मेरे उस्ताद ने बताई और जब मैंने देखी, समझी, माइंड अप्लाई किया तो बहुत मज़ा आया। उस्ताद कौन थे? ख्वाजा सुल्तान अहमद, अ लेजेंड। वो बात भी बड़ी गहरी करते थे। उन्होंने कहा ऑर्डर, जब ऑर्डर जज सिर्फ तब लिखेगा जब वो बेल ग्रांट करेगा, अगर बेल रिफ्यूज करनी है तो ऑर्डर नहीं लिखेगा। मैंने कहा सर ये तो ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कहा ले आओ फिर सीआरपीसी। तो सीआरपीसी 497 सब क्लॉज 4 जब मैंने देखा, ओनली इफ बेल इज टू बी अलाउड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, वरना फैसला प्री मेच्योर बेल में नहीं दे देना। क्यों कहते हैं टेंटेटिव असेसमेंट ऑब्जर्वेशन बेल की ट्रायल में इस्तेमाल ना करें, मगर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? अगर फैसला नहीं आएगा तो हम यही कहते रहेंगे सर नहीं वो तो फैसला तो कभी हुआ ही नहीं था बेल पे, वो हमारी प्रॉब्लम है सेकंड बेल, थर्ड बेल, फोर्थ बेल, मिस यूज ऑफ बेल एप्लीकेशन पे। सो इसको जरा ये अब कमाल किया ना एम के साथ ही साथ सर, अगर वो निकल आए अभी अभी आ जाएगा, पर आप देखिएगा इसको दैट यस दिस इज ट्रू। सर 497-4 में आ जाए जरा काइंडली, 2-3-4। If at any time after the conclusion at the trial of a person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence, it shall release the accused if he is in custody by on the execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear. Zara 3 pe aa jaye kahin? Yeah, 3 sir. An officer of a court is any person on bail under subsection 1 section shall release karte hue karna hai, refuse karte hue nahi karna. Kitni wisdom hai unke banaye hue CRPC mein, aaj din tak hum usse mustafeed ho rahe, magar itne itne Mr. Justice Asif Saeed Khan Khosa sahab ne apne order mein kya kaha judges ke liye, wo ek ek jumla bata de jo mere mind mein aa raha hai, aapke mind mein bhi wahi hona chahiye ki shayad Afridi ka chhakka na maar de bail granting bail refusal order mein. कि ट्रायल ही आप मुलजिम का प्रेजिडिस कर दें, ऐसी बातें लिख दें, डोंट हिट अ सिक्सर इन द बेल रिफ्यूजल ऑर्डर, लिमिटेड जुमलों का इंतख के बहुत आपको, बिकॉज वही चीज इस्तेमाल होती है कल को आपके खिलाफ। तो सर वापस प्लीज उसी पे, जज को अगर मुशक्कत करनी पड़ेगी ऑर्डर लिखने की तो फिर वो बेल ना ग्रांट करे। अगर अगर ये वाली बीच में बात है तो then he doesn't have to bail refused. चल आप जी सर स्लाइड्स स्लाइड्स पर वापस। तो ये चीज इंग्लैंड में कोई रिटन बेल एप्लीकेशन नहीं होती, इट विल कम टू एज अ सरप्राइज, मगर रिकॉर्ड हो जाता है, कैमरा में भी स्टेनो भी रिकॉर्ड करता है। आप किसी भी दिन किसी भी स्टेज ऑफ द ट्रायल, आप इट्स नॉट जस्ट एट द आउटसेट दैट देर इज अ हियरिंग, देर इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड अ पर्सन इज अरेस्टेड दैट यू वुड मूव बेल एप्लीकेशन। आप एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है PW1 PW2 का और ऐसी बातें हो गई हैं जिसके नतीजे में देर आर रीजनेबल ग्राउंड दैट ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, एट द एंड ऑफ द हियरिंग यू विल मेक एन एप्लीकेशन ओरल, इट्स ऑल वर्बल, कि जज साहब आई वॉन्ट टू मेक सबमिशंस फॉर बेल टूडे इन लाइट ऑफ द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट टूडे, कोर्ट आपको परमिशन देगी एंड यू विल मेक सबमिशंस। बेल एप्लीकेशन वो कहते हैं हम कोई चीज प्री ट्रायल ऑब्जर्वेशन हमने नहीं देनी, ना करते हुए ना आप लिख कर दो ना हम लिख कर देते हैं, बात जुबानी रहे तो बेहतर। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, जजेस भी ठीक कंप्लेन करते हैं, वकला मिसयूज करते हैं, सुप्रेस करते हैं, कंसील करते हैं, नहीं बताते, जजेस नाराज होते हैं, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, कितनी बेल एप्लीकेशन सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब इस पर भी कुछ लॉ क्लैरिफाई हो गया है, जजेस लिख रहे हैं आफ्टर आर्ग्यूइंग एट कंसिडरेबल लेंथ लर्नेड काउंसिल विशेज टू विदड्रॉ द बेल एप्लीकेशन,
अच्छा करते हैं लर्नेड काउंसिल, विड्रॉ करके इन लाइट ऑफ दिस हमेशा विड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल गया कुछ जजमेंट्स में कि आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ हो गई आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ कुछ जजेस लिख देते हैं एक्सटेंसिवली सुन लिया है, बात नहीं बनी, विड्रॉ कर लिया है. सो विड्रॉ करने की जो बात होती है वो अक्सर जजेस कहते हैं नो अब विड्रॉ नहीं होगी, तो आप कह रहे हैं कि सर आपकी इजाज़त से ये 4-3 पढ़ दें ज़रा, ये अब आपने ये ऑर्डर लिखना नहीं है, मेरा ट्रायल प्रेजिडिस हो जाएगा इन ऑब्जर्वेशन. और यूज होता है, सर इसको बेल भी नहीं मिली थी, सर ये मैं ऑर्डर पढ़ना चाहूँगा, नहीं पढ़ना चाहिए ऑर्डर मगर मैं ऑर्डर पढ़ूंगा, तो वो देखा जाता है उसको. सो बर्तानिया में बेल एप्लीकेशंस को मिसयूज नहीं होता. आई विश एंड होप कि हमारे पास भी कोई ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म डेवलप हो जाए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि हम इसको There is a famous presumption, of course, that presumption is always attached, innocent until proven guilty. इसको हम pre-trial incarceration बोलते हैं, pre-trial custody जो है, prior to the proving of the guilt of the charge. This is always very serious, especially in a society where false implication is rampant. The more the merrier. सुकून ही नहीं मिलता जब तक ढेरों और जजेस को एंगेज करके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एंगेज करके बात एक करने वाला एक या दो होते हैं, मुलविस 11 या 12 को कर दिया जाता है, कोई ललकारा है, कोई जफ्फा है, कोई मशवरा है, किसी ने ये कर दिया, किसी का फायर मिस हो गया, किसी का उधर लग गया, कोई सहूलत कार है, कोई मोटरसाइकिल लेकर आया, सो करते करते जो है वो बहुत सारे लोग हकदार हो जाते हैं, मगर दैट गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स व्हेन यू अपेयर इन द कोर्ट्स. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल एप्लीकेशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस पर भी वेरी क्विकली बात करते हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इनफैक्ट उसमें हमारे दफ्तर ने सबसे पहले शायद यहाँ से एक रवायत डाली, रवायत तो पुरानी थी, एडॉप्ट पंजाब लाहौर में हमने की, जब हमने और लम्स के मेरे एक एसोसिएट थे. एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी तैयारी, कोई भी लेक्चर मैं वो ना दे पाऊँ जब तक मेरी टीम जो मेरे साथ काम करती है, बड़े ब्राइट यंग लड़के जो दिन रात जागते हैं, रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता. इसी तरह मेरे एक बहुत होनहार शागिर्द ने कहा कि सर मुशरफ साहब की बेल हो सकती है दुबई बैठे बैठे. मैंने कहा ये मैंने तो नहीं सुना, लिखा हो सकती है. उसने मेरे आगे केस लॉ रखा, मुशरफ साहब को हमने ओपिनियन दिया, फिजिकली प्रेजेंट आप नहीं होंगे मैं आपकी बेल करा लूँगा. उन्होंने कहा कहीं बात की, दो बहुत बड़े वकला से बात की, बहुत बड़े वकला पाकिस्तान के, उन्होंने कहा ओपिनियन मंगाओ उससे. मैंने ओपिनियन दिया, उन दोनों ने मेरा ओपिनियन रिजेक्ट और डिस्कार्ड कर दिया कि ये बेल नहीं हो सकती. मुशरफ साहब ने कहा आपका ओपिनियन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैं आपको गो अहेड देता हूँ, आप मेरी पिटिशन फाइल करें. वी वेंट टू कराची, आई वॉज 34 एट दैट टाइम अलॉन्ग विद माई टीम. बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेशन, जजेस डिटेंशन, नवाब बुकटीस किलिंग, हाई ट्रीजन नहीं शुरू हुआ था. तीनों बेल एप्लीकेशंस में सिंध हाई कोर्ट ने, मगर ये होमवर्क करके गए थे कि सिर्फ सिंध देता है बेल और कोई नहीं देता. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लॉयर्स लाहौर और पंजाब के आए कि सर हम कराची नहीं जा सकते, इट इज़ वेरी कॉस्टली फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कराची के जजेस बेल देते हैं, कोई ऐसी बात बता दें जिससे बेल हो जाए. मैंने कहा एक ही जुमला है जो दे सकता हूँ, आप जज साहब को जाके ये बताएं कि सर एक मफरूर को आप इनकरेज नहीं करेंगे कि आ जाओ, मैं वेलकम करता हूँ तुम्हें, मौका देते हैं, मगर वो मौका लाहौर हाई कोर्ट के जजेस देने को तैयार नहीं.
तो जो ना करते हैं वो मुदई को ना करते हैं, तेरा बंदा मफरूर ही रहेगा। जरा बात की गहराई को समझें कि टेल कन्विंस द जजेस प्लीज इनकरेज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू कम बैक, ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, प्रूव हिज इनोसेंस और अलाउ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव देयर चार्ज एंड गिल्ट। आप व्हेन यू विल रिफ्यूज दिस बेल एप्लीकेशन ही विल नेवर कम बैक एंड दिस केस वुड रिमेन 512 में रेफ्रिजरेटर में लगा रहेगा, ये केस ठंडा रहेगा। तो आपको इनकरेज करनी चाहिए पूरी ज्यूरिसप्रूडेंस इन द हाई कोर्ट ने। सो क्या अफसोस की बात है कि हमें प्री अराइवल, इनको बोला जाता है प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल्स, हमें प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल्स के लिए कराची जाना पड़ता है और वहां पर फौरन ये बेल मिलती है। और पता है हम क्या लगाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, कौन कराएगा बेल? बाप लगाएगा कि मैं अपने बेटे को लाना चाहता हूं, बीवी लगाएगी मैं अपने खावंद को लाना चाहती हूं, माँ लगाएगी कि बेटे को लाना चाहती हूं, मेरे बेटा मुलजिम है फलानी फलानी FIR में, ये इल्जामात हैं, ये उसका पासपोर्ट है, ये उसकी टिकट है, ये उसकी फ्लाइट है, इस दिन आ रहा है एयरपोर्ट, और उनको पार्टीज बनाया जाता है कि वो उसको एयरपोर्ट पे अरेस्ट ना करें, उसका नाम ECL पर भी है, उसका नाम FIA के रिकॉर्ड पर भी है, वो इंटरपोल पर भी उसका नाम है। सो ऐसे ऐसे लोगों को हम वापस लेकर आए हैं बेल में। सो जजेस कहते हैं राइट, ये हम प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल आपके बेटे को दे रहे हैं आपके पेश होने पर कि वो इस दिन पाकिस्तान आ रहा है, उससे दो दिन के बाद वो मेरे पास इस दिन सरेंडर करेगा जिस दिन मैं उसको प्रोटेक्टिव बेल दूंगा। सो लॉ इवन इफ यू आर आउट ऑफ कंट्री, FIR होने के बाद मुल्क से भागो तो और बात है, FIR होने से पहले ही मुल्क से बाहर थे तो और बात है, वो तो हर केस के अपने हालात होते हैं आपने देखने। तो अब आपके आगे कैटेगरीज और काइंड्स ऑफ बेल में लिखा हुआ है, मैं अभी 498A में हूं, और नहीं उससे आगे प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल फॉरेन ज्यूरिस्डिक्शन में मौजूदगी में बेल्स ग्रांट होती हैं। जरूर कोशिश करें, मेरे पास 25 केस लॉज हैं जो मैं डालता हूं, मैंने लाहौर में अभी तक ट्राई नहीं किया मगर मैं अपना वो ड्राफ्ट बेशुमार लॉयर से शेयर कर चुका हूं कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भरा हुआ है दुबई, भरा हुआ है लंदन, जिनके पास ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत अमीर हैं वो लंदन चले जाते हैं पाउंड खरीदने की और खर्चने की कुव्वत रखते हैं वाइट कॉलर क्राइम में, यूरोप भी भरा हुआ है। मैं हैरान हो गया, गुजरात से कौन है, मंडी से, आई वेंट टू बार्सिलोना, वहां पर यूरोप कम और मुझे गुजरात ज्यादा लगा बार्सिलोना। तो एक इलाके में हम गए तो वहां पर काफी मेरी मौजूदगी से मैंने देखा कि लोग बहुत तवज्जो से गौर से देख रहे हैं। वहाँ के बंदे ने कहा कि सर ये आपको इसलिए नहीं देख रहे कि आप यहाँ नए नए आए हैं, ये आपको इसलिए देख रहे हैं कि दुश्मन या दुश्मन का बंदा तो नहीं आया मारने के लिए, यहाँ आकर भी मारा जाता है, ये यहाँ पर भी बड़ी एहतियात से बैठते हैं, इतना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहां पर मौजूद है, इतना दुश्मनियों वाला बंदा, ये जितने बंदे फोनों पे लगे हुए हैं सब वकीलों की बातें कर रहे हैं, ये सब केसों की पैरवियां कर रहे हैं, ये सब पूछ रहे हैं कि जमानत हो ये नहीं हो, ये अपील लगी है नहीं लगी, वकील साहब की आंदे ने वकील बदल दो, सियासी वकील नाल खड़ा कर दो, इनका फेवरेट टॉपिक ही है। सो मैंने रीड किया कि बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो सारी अनकंफर्टेबल हुए हैं लोग वो इसलिए हुए हैं कि एलियन आया है कोई हमारे इलाके में, वो क्यों आया है, कोई ख़तरा तो नहीं है, वो ठीक है, स्कैनिंग हुई है सिर्फ मेरी और वहाँ पर सारे वही लोग बैठे हुए हैं जो, तो प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल्स इनकरेज होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए, जजेस को ये रिलीफ देनी चाहिए मफरूरों को वापस लाने के लिए। ये तो ना है कि आप चाह रहे हैं मफरूर ना आए।
सो हु इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, सवाल पूछे आप। सर कोई भी कर सकता है, सर कोई भी कर सकता है, कोई ममानियत नहीं है, कोई ममानियत नहीं, कोई इमीडिएट रिलेटिव हो जाए तो बेहतर है। सो उसका पैटर्न ही और है, और वो कहता है कि मेरा बेटा इस दिन आ जाएगा, उसने मुझे ऑथराइज किया है, उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया जो मैं लगा रहा हूं, उसने मुझे ईमेल किए, ये मेरे बेटे की ईमेल है, ये बेटा उस केस में मुलविस है, आप सिंध हाई कोर्ट बेल देता है सर 2 मिनट में विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। प्री अराइवल प्रोटेक्टिव बेल, प्री अराइवल मुल्क में कदम रख। सो वो जो कहा जाता है जी जब तक बंदा नहीं खड़ा होगा साथ बेल नहीं मिल सकती, मुझे मेरी समझ से बाहर है ये बात। चले आगे चलते हैं, अब आते हैं हम प्रोटेक्टिव बेल। दिस बेल इज फाइल्ड विद लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शंस, बट एट द सेम टाइम इसकी अब्यूज भी बहुत ज्यादा है। लाहौर में पर्चा हुआ है, वकील साहब कहते हैं चलें हम रात का सफर करके इस्लामाबाद जाएंगे, वहां से प्रोटेक्टिव बेल लेकर आएंगे लाहौर वापस। हम लाहौर से चलते हैं मुल्तान बेंच, मुल्तान बेंच जाके हम प्रोटेक्टिव बेल लेकर आएंगे। सो जजेस के आगे मिस यूज ऑफ प्रोटेक्टिव बेल बहुत ज्यादा आ गई हुई है, और फिर ये भी आ गई है कि पहले 6 दिन अगर तफ्तीशी आके गिरफ्तार कर ले तो बेल निकाल देंगे, नहीं आया तो अब हम ज्यूरिस्डिक्शन चेंज करते हैं, रावलपिंडी बेंच से ले आते हैं, मुल्तान बेंच से ले आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले आते हैं, लेट्स स्पेंड सम मोर मनी कराची से ले आते हैं, 7 दिन की मिल जाएगी, 10 दिन की मिल जाएगी। सो 30 दिन तो हम प्रोटेक्टिव बेल पे, बहुत सारे लोग ट्रायल कोर्ट को सरेंडर किए बगैर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर रख के तो अपनी बेगुनाही लेकर साइड पर हो जाते हैं, ट्रायल कोर्ट को सरेंडर किए बगैर। हालांकि प्रोटेक्टिव बेल इज इनेबलिंग बेल, इसको जरा नोट कर लें, प्लीज इनेबल मी टू ट्रेवल इन अनदर ज्यूरिस्डिक्शन वेयर अ फॉल्स केस इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी इन ऑर्डर फॉर मी टू अपियर एंड सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। सो इट इज एन इनेबलिंग एंड द जजेस इनेबल यू, ऑलराइट वी वुड इनेबल यू। अब यह कहा जाता है, अब वो लेटली इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहती है आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए हैं, 5 घंटे में आपने बेल फाइल किए, 3.5 घंटे का मोटरवे लाहौर ही चले जाओ। फिर वो डिस्करेज करें हम कल सरेंडर कर दें, नहीं नहीं सर 7 दिन, उन्होंने कहा 7 दिन नहीं लगते अब इस्लामाबाद से लाहौर जाने में। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी मिसयूज को देखते हुए रिपीटेडली, वो क्या होता है, लाहौर के जाने माने लोग, लाहौर के जाने माने लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं मेरे ऊपर एक पर्चा है मुझे बेल दें, तो वो जज साहब कहते हैं आप तो रहने वाले ही लाहौर के, आपको कौन नहीं जानता, आप इधर आ गए हैं बेल लेने। सो बाज़ लोगों की शनाख्तें नहीं, तो नहीं सर वो मैं इत्तफाक से इस्लामाबाद था तो यहाँ पर ऐसा हो गया। तो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, इट इज गिवन इफ देर इज अ सीरियस एप्रीहेंशन ऑफ योर अरेस्ट ऑन द वे, यू विल नॉट बी एबल टू रीच द कोर्ट और द प्रेमिसेस, यू विल नॉट बी एबल टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट, तो प्री आपको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है। मैं अब थोड़ी सी लंबी बात की तरफ आने लगा हूं जिसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात, अगर तो आपने अपने ड्राफ्ट में लिख दिया है और नीचे सर्टिफिकेट भी दे दिया है तो आप एक सच्चे वकील हैं, और अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी हो गया, कंसीलमेंट भी हो गई। और इस बात के ऊपर ये बड़ा सीरियस है, अगर तो लॉयर को बेवकूफ बनाया गया है, उसे छुपाया गया है, वो एक अलहदा बात है, बट इफ द लॉयर इज पार्टी टू इट, प्रोफेशनल एथिक्स डोंट अलाउ यू कि चलो जी हम अब अदालत बदलते,
बाईसे बाईसवीं में क्या हो रहा है, जजेस बदले जा रहे हैं, सिविल मोहम्मद अहमद कयूम साहब बेहतर बताएंगे, उस जज ने स्टे नहीं दिया, अब हम उस जज के पास चले जाते हैं, नहीं ये काम हो स्टे लिया जा रहा है। सो इस चीज को, इन मिस यूजेस को, और जरूरत है, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्यूटराइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। मैं एक एजेंसी की तरफ, उनको मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं बहुत, मगर एक उनकी तारीफ भी कर दूं, किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास रिकॉर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ केसेस, प्रीवियस एफआईआर और कन्विक्शंस का बहुत अप टू डेट है? आपसे सवाल है। मेरा सवाल वो है कि किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, एएनएफ के पास, सॉरी सर, जितना एक्यूरेट रिकॉर्ड एएनएफ का है? एएनएफ माने ना इस बात को कि ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक है। राणा साहब पे भी आ जाते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी आपने फरमाया कि भी एक राणा साहब ने मुझे रेस्ट दिया तो मैं लेक्चर देने आया हूं। जैसे सर आपने फरमाया कि हम मुल्तान हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से या रावलपिंडी या इस्लामाबाद के प्रोटेक्टिव बेल जैसे मुकामों में लेकिन दूसरे शहर से जाके ले, लाहौर में शिनाती कार का नंबर फीड करके जब किया जाता है तो वो पूरे रिकॉर्ड में चला जाता है। जी सही, अच्छी बात है। वो ब्रांचेस ये सर होता है, बस मैं इसको इधर तक ही रखना चाहता हूँ कि ये मिस यूज हो रही है मुख्तलिफ शहरों में, बावजूद उसके जो आप बात कर रहे हैं कि आईडी कार्ड जब डाल दिया तो सारी बात सामने आ जाती है। मैं यही कह रहा हूं कि कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, मिस यूज ऑफ सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस को डिस्करेज करने के लिए, जो कि कंसीलमेंट के नतीजे में, सुप्रेशन के नतीजे में फाइल की जाती हैं, वो डॉक्यूमेंट हो। मैं आपकी तवज्जो बहुत अहम एलिमेंट की तरफ लाने वाला हूं। पूछे कब से जी, कब से जी? yeah. मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेक्टिव बेल जो इसका मिस यूज है, उसको भी ऐसे रोका जा सकता है कि अगर आप मुल्तान जाते हैं वहाँ पे भी जज पूछे कि ये प्रोटेक्टिव बेल एक इंडियन बुक के मुताबिक ये इज्जतदार और इस तरह लोगों के लिए टू सेव फ्रॉम ह्यूमिलिएशन डिस्ग्रेस जी, यस जी, वो पूछे कि आप मुल्तान में कब से, अगर आप एफ आई आर के पहले हैं ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, इट्स अ गुड सजेशन दैट वेन एवर इंटरटेनिंग और एडजुडिकेटिंग ऑन दीज पिटिशंस द ऑनरेबल जजेस मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स एंड इंक्वायर, हैव यू, वी होप दैट यू हैव नॉट फाइल्ड सिमिलर एप्लीकेशंस इन अदर ज्यूरिस्डिक्शंस। एंड वकीलों ये हिस्सा भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो ये फॉर्म्स भरते हैं, वो भी साइन और फिल होना चाहिए कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मेरे नोटिस में ऐसा केस आया है। एक कैंसलेशन ऑफ बेल मूव करना चाह रहे हैं, चार ज्यूरिस्डिक्शन के ऑर्डर लाके केपीके समेत प्रोटेक्टिव बेल के पार्टी ने आगे रखे कि यू लुक एट द कॉन्डक्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल, हाइड एंड सीक, hoodwinking, typical expressions that we use under the criminal jurisprudence, concealing, suppressing. Maine kaha this is a good case of, although the scope of cancellation is extremely narrow, but nevertheless courts will take a lot of offense. Kisne mazak banaya hua adalton ka, is shakhs ne char adalton mein ja ke 3-4-5-6 mahine to ye aise hi isne guzar diye, to iska mechanism properly banna chahiye. ये रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मैं
अहमद कयूम साहब को भी कहूँगा कि एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में एक काम होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम अप फॉर इट वट एवर इट टेक्स। कि और अभी यहाँ पर बड़े माइंड्स बैठे हुए हैं हमारे सीनियर्स, और उन्होंने कुछ काम भी किया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है ना, उसको फिक्सिंग की और उसकी रिफॉर्म्स की। मैं 4-5 रिफॉर्म्स अभी बता दूं, आप असेंशियल कर दें। क्राइम सीन फोटोग्राफी, आप देखें कैसी मुसीबत डल जाती है आईओ को। क्राइम सीन फोटोग्राफी को असेंशियल कर दें। एक पिक्चर आई है डिसीज्ड की खातून की इस्लामाबाद की टब के अंदर, दैट वन फोटोग्राफ इज एन आंसर फॉर 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेरीज। वन फोटोग्राफ, वी नेवर सी फोटोग्राफिक एविडेंस। किसके पास कैमरा नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, हैंडी, इनएक्सपेंसिव, ऑलवेज अवेलेबल, एंड इट गिव लास्ट सच एन इम्प्रेशन। मैंने मरहूम जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब के पास 350 से 450 के करीब मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू किया। एक मुकदमे में फोटोग्राफ्स लगी हुई थी और वो थ्रू आउट उन्हीं फोटोग्राफ्स को दोनों जजेस जो हैं वो देखते रहे, और मेरे लिए प्रॉब्लम थी मैं तस्वीरों से कैसे निकालूं बाहर। यहाँ पर बिल्ला स्केल और विद स्केल, हमेशा मैं कहता हूँ तोते चिड़ियाँ बनी होती हैं। व्हाट इज़ दिस 2022? सो आप कुछ चीज़ों को, 10-12 चीज़ों को जब हम कंसेंसस से क्रिमिनल लॉज ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से बुला लें, वो कहें कि ये करो, तो आप देखो ज़रा मुसीबत कैसे डलती है, कैसे फॉल्स इम्प्लीकेशन और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ओवरनाइट कम होता है। कोई कर ही नहीं रहा उस पर बात। ये एक सजेशन। एक हम रिपोर्टें मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट पर बैठे हुए, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट ऐसे होगी, खैर ये विल टॉक अबाउट इट्स सम अदर डे। कमिंग बैक टू प्री अरेस्ट बेल इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ गिवन टू एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल इन एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। वाई एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ अंडर द नॉर्मल कोर्स नहीं दी जाती? वाई एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल, दिस डज नॉट रिफर टू माइटी स्ट्रॉन्ग पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल। एक्स्ट्रॉर्डनरी वो है जिसका करियर, जिसके एंटीसीडेंट्स, जिसका बैकग्राउंड क्लियर और क्लीन हो, नो इन्वॉल्वमेंट इन ऑफेंसेस, हैविंग अ क्लीन बैकग्राउंड, अ रिस्पेक्टेबल मैन, एन ऑनरेबल मैन हुज डिग्निटी हैज टू बी सेव्ड फ्रॉम डिस्ग्रेसफुल अरेस्ट। और आप देखो हर शख्स की, अहमद कयूम साहब के दफ्तर जा रहे होंगे, मैं शर्तिया बात कहता हूँ, कोई उनके कान में भिनक डाल दे, सलमान सफदर आपके केस को फौजदारी बना देंगे। मैं देखता हूँ कैसे जाते हैं इनके दफ्तर, यूं गाड़ी मोड़ेंगे, वाओ क्रिमिनल नॉट सिविल, एब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। एक जुर्म है जिसकी तरफ आपको सिर्फ इशारा दूंगा, सबसे ज्यादा एब्यूज उसमें, वो सारे केसेस इनके दफ्तर के हैं 406 के जो हमारे पास आए होते हैं। इंटरेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट्स को कन्वर्ट करके, स्ट्रेच करके, मिसयूज करके, अब्यूज करके, उनको किसी तरह क्रिमिनल के अंदर लाएं कि क्रिमिनल लॉ की जो वो है ना अरेस्ट की बात। मैंने कई लोगों से ऐसे सुना है, माई डॉटर हैज बिन डिवोर्स्ड, आई वॉन्ट द मैन हैंग्ड, FIR। मैं कह, ऐसा हो नहीं सकता, चाहिए ये रेमेडी।